पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने अगले मैच में बाबर आजम को आराम कराने की तजवीज़ दे दी, जबकि टीम मैनेजमेंट बाबर आजम को टीम में शामिल करने के हक में है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और इब्रार अहमद को भी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। गुलाम, क्या तफसीलात हैं, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से क्या तजावीज़ सामने आई हैं? जी, सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ है। उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से मुलाकात की है और मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर जेरे बहस आए हैं। साबिक कप्तान बाबर आजम के हवाले से भी कुछ तजावीज सामने आई है कि कुछ सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान बाबर आजम को आराम करवाने की उनकी जानिब से तजवीज दी गई है, जबकि जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, उनकी जानिब से राय दी जा रही है कि बाबर आजम को अभी टीम में रखा जाए। और इस हवाले से आज कुछ तजावीज भी सिलेक्शन कमेटी ने पेश किए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और दो घंटे का इजलास जारी रहा जिसमें साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स इसमें खसूसी तौर पर शरीक थे। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर का जो इजलास था उसमें तकरीबन दो घंटे तक बहस जारी रही थी, और मोहसिन नकवी ने पहले मेंटोर से अलग मीटिंग की थी और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी और अरकान सिलेक्शन कमेटी का अरकान और मेंटोर के साथ मुश्तरक इजलास भी हुआ था। इजलास में बकायदा तौर पर टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का बकायदा तौर पर जायजा लिया गया, और सिलेक्शन कमेटी में टीम में तब्दीलियों के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके मुताबिक आगाह भी किया है, और इस बात पे भी लायामल बनाया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है उसका भी जायजा लिया जाए सीरीज के बाद, और जो उनकी फिटनेस है उसकी भी जाँच पड़ताल पूरी की जाए। तो सिलेक्शन कमेटी के कुछ अरकान ये चाहते हैं कि वो बाबर आजम को आराम करवाए, जबकि मैनेजमेंट के कुछ अफराद ये चाहते हैं कि बाबर आजम अभी टीम में शामिल है, जबकि सरफराज अहमद जो मुतबादल के तौर पर दूसरे विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल थे उनको पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। इब्रार अहमद जो बुखार में मुबतला हुए थे, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, हॉस्पिटल में मौजूद थे, उसकी वजह से उन्हें दूसरे टेस्ट मैच के लिए कंसीडर नहीं किया जा रहा, उन्हें भी रिलीज कर दिया गया है। हसीबुल्ला जो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जिन्हें मुल्तान तलब किया गया है, जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है, जबकि इब्रार अहमद की जगह पे दूसरे स्पिनर के तौर पर किसे शामिल किया जाएगा इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ऐलान भी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा।